नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। मेरे आयुर्वेदिक इलाज 100% सटीक इलाज, घरेलू इलाज आयुर्वेदिक से। देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है ये वीडियो है जुखाम और खांसी, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। जैसे छोटे बच्चे हैं 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल तक के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें मैं एलोपैथिक टैबलेट डाल रहा हूं एक वीडियो में, जो आप ले सकते हैं बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। और एक इसमें मैं घरेलू नुस्खा बता रहा हूं जो आप घर पर ही करेंगे, जैसे कि छाती में बलगम जम जाना, चाहे इसमें बच्चे हो चाहे इसमें बड़े हो, दोनों के लिए है। और ये उपाय बिल्कुल सटीक उपाय है। इसमें मैं पहले बड़ों के लिए बताऊंगा। इसमें आपको लेनी है मोंटियर एलसी, मोंटियर एलसी एक टैबलेट मॉर्निंग में लेनी है। जिनको जुखाम खांसी है उसमें ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और मॉर्निंग में चाय पी सकते हैं बिना दूध की, आपको ब्लैक टी बनानी है। इसमें आपको डालना है 1 चुटकी दालचीनी, 1 पिसी हुई लौंग, 4 काली मिर्च, और इसमें आप डालिए हल्का सा नींबू और सेंधा नमक, 1 चुटकी सेंधा नमक और आधी चम्मच जो है नींबू का रस डालना है आपको। और ये ब्लैक टी आपको मॉर्निंग में और रात्रि में जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तब आपको पीनी है, ब्लैक टी पीनी है। और ये आपका बलगम के लिए बहुत ही लाभदायक है। और मोंटियर एलसी टैबलेट जिनको ज्यादा समस्या है वो मॉर्निंग में ना लें, वो रात्रि में लें। जब सोने के लिए जाते हैं तो खांसी में प्रॉब्लम आती है, जुखाम होता है, तो जिनको अगर ज्यादा समस्या है मोंटियर एलसी टैबलेट वो रात्रि में सोते वक्त लें। और बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे छोटे बच्चे हैं 7 साल, 6 साल के बच्चे, 6 साल से लेकर 15-16 साल तक के बच्चे, उनके लिए मोंटियर एलसी किड ये टैबलेट है। मैं यहां पर दिखाऊंगा दोनों टैबलेट, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। मोंटियर एलसी किड टैबलेट ये रात्रि में दें बच्चों को, सोने जब वो सोने के लिए जाएं तभी ये टैबलेट दें। जुखाम में बहुत अच्छी टैबलेट है ये, बहुत अच्छा वर्क करती है और खांसी में भी वर्क करती है। और यही ब्लैक टी 1 कप ना दें छोटे बच्चों को, जैसे 5-6 साल के बच्चे हैं उनको 3-4 चम्मच, एक काढ़ा बन जाएगा ये, 3-4 चम्मच यही जो मैंने ब्लैक टी में बताया ये चीजें आपको डालनी है सामग्री। और ये बच्चों को आप 3-4 चम्मच छोटे बच्चों को पिलाएं सुबह और रात्रि में सोते वक्त पिला सकते हैं। कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आप गर्मी में भी यूज कर सकते हैं और सर्दी में भी यूज कर सकते हैं, दोनों समय में आप इसको ले सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कि छाती में बलगम जम जाना, तो आप एक ये भी कार्य कर सकते हैं बच्चों के लिए, एक कोकोजम घी होता है, डालडा घी बोलते हैं उसको, कहीं भी ये किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाता है, उसको आपको थोड़ा गर्म कर लेना है। गर्म करके छाती पर बच्चों के अच्छी तरीके से रात्रि में सोते वक्त कम से कम आप इसको 10 मिनट तक मलें यही कोकोजम की। इससे छाती में जो बलगम जम जाना या छाती चल जाना, जैसे छाती धड़कती है छोटे बच्चों की, वो बंद हो जाएगी और बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। और ये टैबलेट जो मैंने बताई है ये 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक आपको टैबलेट लेनी है। और किन्हीं को अगर ज्यादा समस्या है तो रेगुलर भी इसको ले सकते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन भी आप इसको ले सकते हैं। कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। कभी फिर दोबारा ऐसा कुछ होता है, खांसी या जुखाम आ जाता है, तो इसको आप दोबारा निरंतर यूज कर सकते हैं इस टैबलेट को।
और काढ़े को जो मैंने चाय का ये आपको बताया है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है टैबलेट का, और इसको आप कंटिन्यू 20-21 दिन ले सकते हैं। आगे प्रॉब्लम आए तब फिर इसको आप ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और इसमें आपकी जो ये जुखाम खांसी की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और ये बलगम जम जाना ये भी ठीक हो जाएगा, निकल जाएगा बलगम, और बच्चा और बड़े बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये वीडियो बड़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। मैं यहाँ पर बड़ों के लिए भी टैबलेट दिखाऊंगा और छोटे बच्चों के लिए भी जो टैबलेट लेनी है। और इसी के साथ मैं वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए मेरे आयुर्वेदिक इलाज, घरेलू उपाय, सटीक इलाज, 100%।